आपको अभी मैं बिल भी बताऊंगा, प्राइस कितना लगा फर्स्ट सर्विस कराने में वो भी मैं बताऊंगा, और पहला सर्विस कराने के बाद बेसिकली जो चेंजेस होते हैं, अब इंजन फ्लश का क्या वर्क होता है फर्स्ट सर्विस में, एकदम जरूरी से आप ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इंजन फ्लश ही होता आपका माइलेज बढ़ेगा और गाड़ी का इंजन पूरी तरह से साफ होता है। कहाँ यूज करते हैं अभी मैं बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त हो भाई। आज ना मैं अपने TVS Jupiter का फर्स्ट सर्विस कराने आया हूँ, आपको डीलरशिप का हर एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, सर्विस कैसे हुआ, कोई दिक्कत हुआ या नहीं हुआ, और फर्स्ट सर्विस में क्या कुछ होता है, कितना ये ऑयल चेंज करते हैं फर्स्ट सर्विस में, कितना कॉस्ट आता है, क्या कुछ चेंज करते हैं, कितना जल्दी सर्विस होता है, मतलब आज की इस वीडियो में आपको फर्स्ट सर्विस का हर एक डिटेल बताने वाला हूँ। और ये जो अपना फर्स्ट सर्विस हुआ ना, आप देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज़्यादा किलोमीटर चल गया है, जबकि फर्स्ट सर्विस का होता है 500 से 750 चल रहा होता है, लेकिन टाइमिंग का इश्यू हुआ, मेरे पास टाइम नहीं मिला और गाड़ी जो है हमारा 791 किलोमीटर चल गया है। तो चलिए फर्स्ट सर्विस कराते हैं और एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। भाई डीलरशिप में आने के बाद पहला जो प्रोसेस होता है वो अपना कंप्लीट हो गया। सर जो है ना, वो जो सर दिख रहे हैं आपको, वो आए जॉब कार्ड खोले, जॉब कार्ड खोलने के बाद मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है, नंबर वंबर लिखे हैं, किलोमीटर जितना रनिंग है वो सारा कुछ लिखे हैं, अब उसके बाद फर्स्ट सर्विस होता है। सो गाइस, अगर फर्स्ट सर्विस की बात करें तो फर्स्ट सर्विस में देखो इतना कुछ ये डीलरशिप की तरफ से मिलता है। पहला तो आपका इंजन ऑयल हो गया, जो कि कुछ इस तरीके का 900 ml का ये TVS Jupiter में आता है। दूसरा आपको मिलेगा इंजन फ्लश मिलेगा, जो इंजन को साफ अप होता है, इंजन को साफ करता है, और ये अपना शैम्पू और पॉलिश भाई बेचने का तरीका है कंपनी का। जब भी आप डीलरशिप में जाएगा तो 5-5 रुपए का एक्स्ट्रा 10 रुपए का बिल बनाते हैं शैम्पू और पॉलिश देकर। तो इतना सारा चीज फर्स्ट सर्विस में होता है। और यहाँ पर देखोगे आप, इंजन ऑयल को यहाँ से निकाला जा रहा है, 900 ml का होता है, लेकिन इंजन जो है फर्स्ट सर्विस में काफ़ी ज़्यादा जल जाता है, तो यहाँ पर बहुत कम ही निकलता है, इसलिए आप टाइम टू टाइम सर्विस कराया करिए। और पहला सर्विस में तो कोई भी लेट मत करिए, जैसे ही 750 किलोमीटर सर्विस हुआ करा लीजिए, क्योंकि इंजन अगर जितना ही कम होगा उतना ही इंजन पर लोड पड़ेगा, तो इंजन ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जुपिटर में प्रॉपर 900 ml का मोबिल नहीं आता है, इंजन ऑयल जो आता है उसका जो कैपेसिटी रहता है इसके अंदर वो 800 ml का ही रहता है, जबकि यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से इंजन ऑयल का डब्बा आता है वो 900 ml का रहता है। तो आपके भी 100 ml वेस्ट हो जाएंगे जब आप TVS Jupiter का फर्स्ट सर्विस कराओगे ना, या फिर कभी भी सर्विस कराओगे, तो टोटल इसका जो कैपेसिटी है इंजन ऑयल का वो लगभग 800 ml ही रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जो डब्बा रहेगा वो 900 ml का रहेगा, तो आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो 900 ml के ही देने पड़ेंगे। तो भैया, जो गाड़ी का फर्स्ट सर्विस था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है, कितना खर्चा आया है, और अभी ये वॉशिंग चले गए हैं, ठीक है। तो अभी आपको सर्विस कराने के बाद बाहर चलते हैं, बिल दिखाते हैं, और क्या कुछ कैसे सर्विस हुआ है सारा कुछ आपको ये वीडियो में बताते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट सर्विस था वो मेरा कम्प्लीट हो चुका है, जी हाँ, आज मैंने फर्स्ट सर्विस कराया है। और आपको अभी तक का जो वीडियो जितना देखे ना, वो ओवरऑल सर्विस का था, फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जो मेजरली चेंजेस होता है, जो अपडेट इसमें होता है, जो इन्होंने अपना नया मोबिल डाला, क्या कॉस्टिंग पड़ती है TVS कंपनी की तरफ से, आपके स्टेट में कितना कॉस्टिंग पड़ेगा, सब कुछ ये बिल में यहाँ पर रिकॉर्ड है। आपको अभी मैं बिल भी बताऊंगा, प्राइस कितना लगा फर्स्ट सर्विस कराने में वो भी मैं बताऊंगा, और पहला सर्विस कराने के बाद बेसिकली जो चेंजेस होते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ था, मैं गया डीलरशिप के पास, वहाँ पे गाड़ी का नंबर नोट डाउन किया, एंट्री किए, एंट्री करने के बाद उनका एक स्टाफ आया, वो मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड नंबर लिया, रजिस्टर्ड नंबर के बाद अपने गाड़ी का नंबर लिया, गाड़ी का नंबर लेने के बाद एक जॉब कार्ड एंट्री करके होता है, वहाँ पे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद एक वहाँ पे जॉब कार्ड नंबर आता है, अब उस नंबर पर वो जाकर एसेसरीज लाए, क्या क्या चेंजेस होगा। तो देखो, बेसिकली जो फर्स्ट सर्विस में चेंज होता है ना, वो पहला चीज़ होता है तो आपका इंजन फ्लश करते हैं उन लोग, एक इतना बड़ा सा डब्बा आता है उसमें इंजन फ्लश होता है। अब इंजन फ्लश का क्या वर्क होता है फर्स्ट सर्विस में, एकदम जरूरी से आप ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इंजन फ्लश ही होता आपका माइलेज बढ़ेगा और गाड़ी का इंजन पूरी तरह से साफ होता है। कहाँ यूज़ करते हैं अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद क्लीन वॉश, 10 ml का स्पार्कल लाए थे वो, ठीक है। तो अपना शैम्पू पॉलिश ये अपना अलग अलग 10-10 रुपये का लाते हैं, वो तो अलग चीज़ है। इसके बाद इंजन ऑयल, भाई एक चीज़ मैं देखा ना कि हीरो कंपनी से ज़्यादा इंजन ऑयल का कॉस्ट आपको TVS कंपनी में मिलता है। मतलब मैं पिछले 7 सालों से ग्लैमर चला रहा था, तो ग्लैमर में जितना फर्स्ट सर्विस में या फिर जितना भी इंजन ऑयल का कॉस्टिंग आता था, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये TVS में इंजन ऑयल का कॉस्टिंग पड़ता है। क्या कॉस्टिंग पड़ता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो डीलरशिप के पास गया, वहाँ पे व्हीकल का नंबर लिए, सारा कुछ रजिस्टर्ड किए, जॉब कार्ड खोले, जॉब कार्ड खोलने के बाद सामान आया, सामान आने के बाद वो चेंज किए। अब कैसे कैसे चेंज किया आपको वीडियो में पहले दिख गया होगा इंजन ऑयल। अब प्राइसिंग की ही डायरेक्टली मैं बात कर लेता हूँ, और इंजन फ्लश का क्या वैल्यू होता है। तो इंजन फ्लश का जो रेट पड़ा 83 रुपीज़ पड़ा, और ये सेंट्रल GST पड़ा लगभग 7 रुपया 55 पैसा, ठीक है। तो टोटल इसका जो कॉस्ट हो गया वो 99 रुपया का हो गया। इंजन फ्लश जो 100 ml का जो डब्बा आता है
वो लगभग 99 रुपीज़ के आसपास हो गया। और वो क्या करते हैं, इंजन ऑयल में ना उसको 100 ml को डालकर और स्कूटर को स्टार्ट करके 2-4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब जब आपका स्कूटर स्टार्ट रहेगा तो इंजन वर्क करेगा बिना मोबिल का, मतलब बिना इंजन ऑयल का, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लश की वजह से। अब फ्लश क्या करेगा कि जहाँ भी आपका इंजन ऑयल में रस्टिंग लग रहा है ना, जहाँ भी कहीं भी चीटी लग रहा है या ख़राब हो रहा है, उस चीज़ को एकदम क्लियर करेगा। क्लियर करने के बाद दोबारा से इसको निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इंजन ऑयल चेंज किया। अब इंजन ऑयल का जो कॉस्टिंग पड़ा वो 402 रुपये पड़ा, स्टेट GST पड़ा इनका लगभग 36 रुपये के आसपास, तो टोटल जो कॉस्टिंग हो गया वो 475 रुपये का कॉस्टिंग आ गया। मतलब इंजन ऑयल का जो कॉस्टिंग था वो 475 रुपये का हुआ। शैम्पू 10 रुपये का पाउच मिलता है, जो कि आपको वीडियो में पहले देखे होंगे, और एक पॉलिश आता है वो पाउच 10 रुपये का आता है, और 99 रुपये का इन्होंने इंजन फ्लश यूज़ करा, जो कि जो डब्बा जो 100 ml का आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करने के बाद टोटल जो बिल आया 594 रुपीज़ का बिल आपको स्क्रीन पे यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, 594 रुपये का बिल आया फर्स्ट सर्विस में। और फर्स्ट सर्विस का जो टेन्योर होता है वो लगभग 500 से 750 किलोमीटर के बीच में होता है, जबकि मैं थोड़ा सा लेट था, 799 किलोमीटर के आसपास जब गया, 791 किलोमीटर जब गया तब मैंने इस स्कूटर को सर्विस कराया। तो मेरा जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्टिंग आया वो लगभग 594 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आया। 594 रुपये मैं दिया फर्स्ट सर्विस कराने के लिए, बाकी लेबर चार्ज जो भी होता है वो फ्री होता है। तो अब आपको ना मैं इसको 10-20-50 किलोमीटर और चलाऊंगा, और चलाने के बाद इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि फर्स्ट सर्विस कराने के बाद इसका क्या एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि डीलरशिप वालों ने बताया कि जब आप फर्स्ट सर्विस करा लेते हो तो उसके 100 किलोमीटर के बाद माइलेज बढ़ता है। अभी अगर मेरा स्कूटर सपोज 47 दे रहा है, तो 47 अगर दे रहा ना, तो जब दोबारा से फर्स्ट सर्विस कराए, दोबारा से इंजन ऑयल चेंज कराए, तो अभी इसका माइलेज थोड़ा सा और कम होगा। जबकि दूसरे सेगमेंट में देखते थे कि माइलेज बढ़ता था, लेकिन इसमें कम होगा, क्योंकि इंजन ऑयल दोबारा से नया गया तो फिर से वो इंजन में सभी पार्ट्सों में जाएगा, तो इंजन ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो फ्यूल का भी पेट्रोल का भी ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो अभी मेरा माइलेज जो है वो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन बोला कि 50-100 किलोमीटर चलाने के बाद जब थोड़ा सा हर पार्ट में इसका इंजन ऑयल और पेट्रोल चला जाएगा, उसके बाद आपका माइलेज 50-55 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से देगा। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 50 किलोमीटर देगा या नहीं, वो तो देखने वाली बात है। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑनरशिप रिव्यू का होगा, 50-100 किलोमीटर चलाने के बाद इसका ऑनरशिप रिव्यू देखते हैं, फिर इसका करेंगे माइलेज टेस्ट कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस ये कितना माइलेज दे रही है और कितना वैल्यू फॉर मनी है। भाई आज मैं डीलरशिप गया तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो थोड़ा सा मतलब डाउन था। अब किस चीज़ के चलते डाउन था, मैं क्यों थोड़ा सा अफसोस कर रहा था ये TVS जुपिटर को लेकर, वो आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। भाई गाड़ी तो नो डाउट बहुत अच्छा, लेकिन डीलरशिप के पास जो सर्विस का फैसिलिटी है, या फिर लगे कि फर्स्ट सर्विस है तो बहुत कम सर्विस होता है, तो ग्राहक को संतुष्टि नहीं मिलता है। तो खैर वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।